भिवंडी के युवा नेता और उद्योगपति साईनाथ भाऊ पवार का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से शहर के अलग अलग इलाकों में एक बड़े त्यौहार की तरह मनाया गया। उनके समर्थक सर्वप्रथम खडवली स्थित मातोश्री वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धों को भोजन वितरित किया गया। साथ ही साथ भिवंडी के कई जगहों पर केक काट कर उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की और साथ ही साथ बड़े ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि भिवंडी के युवा नेता और उद्योगपति साईनाथ भाऊ पवार हमेशा ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। जिस हर्षोल्लास के साथ साईनाथ भाऊ पवार का जन्मदिन भिवंडी वासियों ने मनाया, आइए देखते हैं किस तरह से साईनाथ भाऊ पवार ने सभी का आभार प्रकट किया इस रिपोर्ट के जरिए। साथ ही साथ उनके जन्मदिन के अवसर पर खासकर भारी संख्या में महिला भी उपस्थित रही। वहीं इस अवसर पर खासकर उपस्थित पश्चिम के आमदार महेश चोगुले, पूरब के माजी आमदार रुपेश दादा मात्रे, शिवसेना जेसत नेता मनोज कांटेकर, जेसत नगर सेवक नीलेश चौधरी, नगर सेवक हनुमान चौधरी, समाज सेवक विठोबा बिल्ला नाइक, परेश चुगोले, साथ ही साथ महेंद्र गायकवाड़ आदि लोग उपस्थित रहे। आज मेरे परम मित्र, मेरे भाई, उनका जन्मदिन है साईनाथ भाऊ पवार। इनका जन्मदिन के ऊपर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जन्मदिन आज झाड़ लगा के गरीब बच्चों को अनाज दे के, उनको खाऊ दे के आज मनाया है। मैं उनके पिताजी ने जो पुण्याई कमाई है रंगरा विठोबा पवार ने, उनके कदम के ऊपर चलने वाले साईनाथ भाऊ पवार है। इस भिवंडी शहर का, इस कामतगर ताराली विभाग का उन्होंने बहुत सारा विकास किया है और लोग उनको चाहने वाले है। आज साईनाथ भाऊ पवार का जन्मदिन है, उन जन्मदिन के ऊपर मेरे परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भाव तुम जियो हजारों साल के हो, 50,000, ऐसे में भाव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले कई वर्षों से वो राजनीति में है और राजनीति का जो उनका करियर है काफ़ी अच्छा है। आपको क्या लगता है कि आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में देखो, नसीब की बात रहती है भाव, थोड़े वोटों से 2009 में थोड़े वोटों से आमदार चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और तभी से लेके आज तक वो लोगों के विकास के हर लोगों में जुड़ते ही रहे और लोगों से जुड़ के रह के लोगों का विकास करते हैं। उन्होंने 2007 में इस ब्रह्मानंद नगर का नेतृत्व किया था, आगे भी चल के वो नेतृत्व करे, इसी में उनको शुभेच्छा देता हूँ। आशीष राजभर की रिपोर्ट।